हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पालिका में चुनाव में भाजपा मिशन 30 से फहराएगी विजय परचम देवनानी। नगर पालिका चुनाव के तहत कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। न्यू टाउन में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से की चर्चा। पुलिस चुनाव में जीत का दिया मंत्र। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री व पालिका चुनाव के सह प्रभारी वासुदेव देवनानी ने कहा कि पालिका चुनाव में भाजपा मिशन 30 के तहत विजय परचम फहराएगी। गत भाजपा बोर्ड में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। चुनाव में योग्य उम्मीदवार को मौका दिया जाएगा। ऐसे में टिकट से वंचित रहे कार्यकर्ताओं को निष्ठा व अनुशासन के साथ कार्य कर आगे की तैयारी करनी चाहिए। वे न्यू टाउन में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अनुशासित तरीके से निष्ठा पूर्वक कार्य करना है, एकजुट होकर भाजपा का वोट बनाने का प्रयास करना है। पार्टी को कौन कार्यकर्ता कहां कैसे कार्य कर रहा है ये सब जानकारी में रहता है, उसके अनुरूप ही उसे आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री भी आम कार्यकर्ता ही थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो उच्च पदों पर पहुंचेंगे। कांग्रेस में प्रतिभा पाटिल थी, गवर्नर थी, आगे जाकर राष्ट्रपति बन गई। कब किस कार्यकर्ता का नंबर आ जाए इसकी परीक्षा होती है चुनाव। परीक्षा के दौरान वो अपना कैसा रोल अदा करता है उस पर निर्भर करता है। कांग्रेस की सरकार पर तंज कसते हुए देवनानी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार 5 साल नहीं चलेगी, इससे पहले ही सरकार चली जाएगी। गहलोत राज में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अपराध व दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर है। आपराधिक घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। सह प्रभारी मनोहर चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, पूर्व जिला प्रमुख पायल परस रामपुरिया, क्षेत्रीय विधायक जगसी राम कोली ने भी विचार व्यक्त किए। बैठक के बाद चुनाव प्रभारी देवनानी, सह प्रभारी जिला अध्यक्ष पुरोहित व विधायक कोली बंद कमरे में दावेदारों से रूबरू हुए, उनका साक्षात्कार लिया। उम्मीदवारों का अनुभव, शिक्षा, पार्टी में उनके द्वारा किए गए कार्य, वार्ड में उनकी पकड़, जीत की संभावना आदि पर सवाल जवाब किए। पालिका के वार्ड 40 तक के दावेदारों के साक्षात्कार लिए गए। इस दौरान गमागमी की स्थिति बनी रही। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं व दावेदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मुंह पर मास्क लगाने की नसीहत दी गई। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।